निक्कू भाई ने दावा कर दिया है 45 लाख की गाड़ी में 1500 रुपए में चार स्पीकर। ये फुटल पीस है, ये कंचा पीस है। देखो भाई, नंबर प्लेट आपने देखी होंगी आज तक ना, ऐसे रिपीट से होते हुए ये फॉर्च्यूनर में कभी पूरा अलग है। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आपको एक सीरियसली जेन्युइनली एक बात बताऊं भाई, हम अभी फॉर्च्यूनर के अंदर बैठे हैं और आपने जो भी ये गाना सुना स्टार्टिंग में भाई, इसके स्पीकर्स इतने घटिया है, जो ओनर है चको, मैं इसके मोहडे पे कहूंगा, इतने घटिया स्पीकर्स है भाई। एस्प्रेसो हमारे साथ एक भाई है, इनके पास एस्प्रेसो है, वहाँ के बढ़िया स्पीकर है भाई, उसके भी तगड़े स्पीकर हैं, बताया इतनी तगड़ी बेइज्जती होगी यार। चेंज करा दे क्या भाई? करवा दे, चलो ठीक है, करवा दे, मजाक की बात नहीं है। तो आज चलते हैं गाइस, कमेंट करना कौन से बेस्ट रहेंगे स्पीकर। तो आज भाई इसके स्पीकरों का काम तमाम कर देना यार, टोयोटा वालों थोड़ा बहुत शर्मा लो यार, थोड़े अच्छे स्पीकर डाल दो भाई, थोड़े से प्लीज। ट्विटर के अच्छे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या भर रखा है, आज खुलवा दूंगा आज ना यार, डोर वोर ने खुलवा के तो तगड़े से स्पीकर डलवा देंगे। फील आना चाहिए कभी यार, घूमने फिरने जाते हैं जैसे, तो यार फील ही ना आती गाड़ी के अंदर। तो भाई फॉर्च्यूनर लेने के बाद भी ना ऐसे मत समझो कि 45-50 लाख रुपए खर्च होकर बाद छुट्टी, हाँ खर्चा तो बाद में स्टार्ट होता है, स्पीकर भी बदलवाने पड़ते हैं, छोटी मोटी लिटिल एक्सेसरीज भी लगवानी पड़ती है भाई गाड़ी में। और निक्कू भाई सबसे बेस्ट है भाई इस काम के लिए जो मैंने चुना है, अगर ये गत्ते हमको खुलवाने और बेस्ट आफ्टर फिटिंग चाहिए तो निक्कू भाई अब बता दो मेरे को, मार्केट में दे दो। देखो बहुत तरीके के स्पीकर्स आ रहे हैं, ठीक है जी, सोनी हो गया, ES सीरीज हो गया, सोनी ES हो गया, अल्पाइन का R सीरीज हो गया, अपना क्या DDIDO हो गया, मरकरी हो गया, मार्केट में जैसे हमारे पास हम करते आ रहे हैं क्रेटा उडेटा, तो हमारे पास सबसे ज्यादा बॉस का स्पीकर लगता है। और नहीं, जिनको अगर एम बूफर लगाना होता है तो हम JBL पे भी जाते हैं, मरकरी पे भी जाते हैं, अपना DDIDO पे भी जाते हैं, सोनी ES पे भी जाते हैं। अब बहुत कस्टमर डिमांड अगर ऑनलाइन देख के आते हैं, रिव्यू पढ़ के आते हैं, तो जैसे हमें सोनी ES ही चाहिए तो ये लगाना पड़ता है। बॉस के लेके अगर आपको स्पीकर लगाना तो आप बॉस सुन ही रहे हो। तो मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, हमको गाड़ी सिंपल सोबर चाहिए होती है, ना एम्पलीफायर चाहिए, ना वो बेस ट्यूब धम 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 धम, वो सब हमको नहीं चाहिए होता है। गाड़ी अपना चाहिए सिंपल ड्राइव के लिए, बढ़िया गाने बजते रहने चाहिए। बेस ट्यूब का आपको पता है, 2-4-5 गाने सुनोगे उसके बाद अच्छा लगता है, उसके बाद सिर दर्द होने लगता है, बिल्कुल। तो वो सब चीज नहीं चाहिए, ना एम्प लगवाना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अर्थिंग वर्थिंग की समस्या रहती है, चाहे कितनी अच्छी फिटिंग कर लो। तो मेरे को क्या रिकमेंड करते हो कि बस हमको प्लग एंड प्ले, जैसे अब आज तक मैंने भी आज तक आपसे प्लग एंड प्ले वाला काम करवाया, जैसे किया में भी और अपनी गाड़ी में, तो मैं इनको हटवाऊं, यहाँ जो ये गत्ता सा है इसको निकलवाऊं और अपना कोई स्पीकर फिट करवा लूं और आवाज उसी से बहुत तगड़ी बन जाए। आप देख लो आपको क्या, आप सुन रहे हो ना, मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो बहुत सुन रहे हो, जो स्पीकर करना हुआ है सारा अवेलेबल है भाई। हमको प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ही हम ट्राई कर लेते हैं एक बार ना, 6 इंच का वो 6 इंच चारों 6 इंच लगेगा बिल्कुल। लेकिन जो इसका कपलर है ना, जो फॉर्च्यूनर का कपलर है, तो इसका हम कपलर लगा के ना, इसमें हम जो स्पीकर में जैसे अपने किया में तो क्या आता था कि सब कपलर सेम है, क्योंकि किया सेल्टोस में आता है, तो इसमें हम कपलर बना के लगाएंगे। अच्छा, माने वायरिंग कोई भी कट नहीं होगा, हम वायरिंग काट दिए या छिल दिए, लेकिन हम कपलर बनाएंगे, जैसे हम किया सेल्टोस में डायरेक्ट फंसा देते, केटा फंसा देते, उस तरीके का नहीं फंसेगा, लेकिन आपका वायरिंग कटेगा नहीं। अगर भाई हम इसमें एम्प वैम्प लगवाते ना, फिर तो हम कोई पक्का कोई और कुछ देखते भाई, कि अपना वूफर वूफर भी क्या लगवाना है, डैम्पिंग डूम्पिंग तब देखते भाई इन सब चीज़ों को, कि भाई क्या और सोनी के लगवाएं या फिर जितने भी मतलब हाई एंड ऑडियो आती है, लेकिन हमको सिंपल ऑडियो चाहिए भाई, अच्छी सी बेस आ जाए, लाउडनेस बढ़ जाए, क्लियरिटी बढ़ जाए, क्योंकि ये स्पीकर तो भाई निक्कू भाई सच में बहुत गंदे हैं यार। और अब तो लेजेंडर लो, GR स्पोर्ट लो, हर किसी में नहीं, तो आपका एक चीज और लग सकता है इसमें, अगर बोलोगे तो मैं मंगवाऊंगा, 5 मिनट का टाइम लूंगा। फॉर्च्यूनर का एक स्पीकर आता है, फॉर्च्यूनर के लिए बनाया जाता है, वो बनाता है फोकल कंपनी, अच्छा हाई रेंज का स्पीकर होता है, जैसे पीछे इसका कंपोनेंट के साथ सेटअप आता है, जैसे टोयोटा लिखा होगा स्पीकर पे, माने वो टोयोटा की गाड़ी में लग सकता है, जैसे फॉर्च्यूनर में लग सकता है, इनोवा क्रिस्टा में लग सकता है, ओल्ड इनोवा में लग सकता है, ओल्ड फॉर्च्यूनर में लग सकता है, बहुत से बेस्ट है वो। आपको सुनना है क्या, सुनाऊं उसको? तो फोकल भी मंगवा दो, बॉस भी देख लो, जो अच्छा लगे वो लगवा ले, क्या दिक्कत है यार, अपनी घर की दुकान है, यहाँ पे अच्छा काम नहीं मिलेगा तो और कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मैं मंगवा रहा हूँ स्पीकर जो प्रॉपर टोयोटा का ही गाड़ी में लगेगा, उसमें कोई कपलर भी नहीं बनाना पड़ेगा, जो सॉकेट है ना, जैसे हम बॉस में क्रेटा में सिलेक्ट वैसे फंस जाएगा, इससे तो कम से कम 10 गुना अच्छा होगा, आवाज में स्वाद आना चाहिए और 10 गुना अच्छा होगा भाई। वैसे तो हमने फोकल वोकल भी मंगवा लिए, लेकिन हम निक्कू भाई की दुकान पे इकल्ला और आगे देखने के नहीं है भाई, कि और कौन कौन से स्पीकर्स अवेलेबल हैं। पता है यार, ये ना एक बार जिंदगी में आदमी चेंज करवाता है स्पीकर, जैसी अब जो रहीस आदमी है घने,
वो तो बार बार करवा में भाई, लेकिन जैसे सिंपल सोबर एक आदमी चाहिए रहे ना हमारे जैसे, तो वो तो एक बार में ही करवा देता है। तो सबसे फेमस तो भाई जो JBL की सीरीज है ये आपको पता ही है, ज्यादातर लोग ये स्टेडियम के कंपोनेंट ही डलवाते हैं, बाकी डीडी ऑडियो भी है भाई ये सब। लेकिन मुझे लगता है इनके साथ एम्पलीफायर जरूरी है, सोनी का ES जो सबसे महंगा सोनी का कंपोनेंट्स में है, इनके साथ भाई ये एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है भाई, जो कि हमको बिल्कुल लगवाना नहीं है। वो अर्थिंग वर्थिंग की साउंड बन जाती है, पीछे सिस्टम खुलता है, हाई लो कन्वर्टर पता नहीं क्या क्या लगता है। इसके बाद यहाँ पे इनके पास ये रॉकफोर्ड के भी स्पीकर्स हैं, क्रंच क्रंच कोई लोकल करके भी है, ये सब मैंने ट्राई कर रखे हैं, पता नहीं मजा सही नहीं आता। एल्पाइन के भी हैं, बोस सुन रहा हूँ मैं तो अपनी किया अभी में भाई, बहुत मस्त बजते हैं यार बोस। एक बार मैं आपको खुलवा के दिखा देता हूँ, ये देखिए ह्युंडई का ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स के अंदर ये बोस के स्पीकर बहुत डिसेंट है, बेस हो ट्रेबल हो हर चीज इनमें से ना परफेक्ट सी निकल के आती है यार, जो मुझे लगता है ना कोई एम्प की जरूरत पड़ती इनमें ना कुछ, ना कोई अलग से ट्विटर लगाने, मतलब बढ़िया आवाज निकाल देते हैं यार इतने में। हालांकि अब यहाँ पे निक्कू भाई ने भाई दोनों मंगवा दिए कंपेरिजन के लिए, जो पहले स्टार्टिंग में फोकल की बात हुई थी स्पेशल फॉर्च्यूनर के लिए बने हुए हैं, और एक बोस के जो स्पीकर हैं अपने मोस्ट फेमस वो भी आ चुके हैं। अभी हमको भाई यहाँ पे समझाने लग रहे हैं कि कौन से में क्या खूबियां हैं, कौन से में क्या है। भाई यहाँ पे ना ये माइक वाइक जो होते हैं ये धोखे दे जाते हैं एंड टाइम पे, पता नहीं क्या हुआ आवाज रिकॉर्ड नहीं करते, ये मोह माया से मेरा तभी विश्वास थोड़ा सा उठा पड़ा है। अपने सिंपल माइक्रोफोन बेस्ट है भाई, थोड़ा बहुत शोर इधर उधर का इकट्ठा कर लेते हैं पर आवाज तो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। चलो इनको खोल के देखते हैं। मैं आपको तो पहले थोड़ा प्राइस बता देना चाहता हूँ, ये फोकल वाले जो है ना ये 32-33 हजार रुपए के हैं, और बोस वाले चारों डल जाएंगे अराउंड 20-22 हजार रुपए के होंगे। एंड में मैं आपको एग्जैक्ट कीमत बता दूंगा निकू भाई से पूछ के, लेकिन फोकल वाले 10-12 हजार रुपए महंगे हैं बोस से, दोनों की क्वालिटीज में भी काफी फर्क है। मैग्नेट आप देख सकते हो भाई, बोस वाले थोड़ी छोटी है, फोकल थोड़ा ज्यादा प्रीमियम सा दिख रहा है यहाँ पे ऐसे फील में तो, लेकिन इसमें देखने बाहरने में क्या मतलब, हमको आवाज ज्यादा मैटर करती है भाई इन चीजों में, देखने बाहरने में तो क्या ही है। चलो अभी इन्होंने बोला है कि एक एक करके सुन लो आप, जो आपको पसंद आएगा ना वो मैं इसमें लगा दूंगा, एक साइड फोकल लगा देता हूँ एक साइड बोस, आप सुन लो जो आप कहोगे मैं तो वही लगा दूंगा, मेरे को क्या टेंशन है। तो ऐसे ही करते हैं भाई, एक एक करके सुन लेते हैं कि कौन से की बेटर निकल के आती है आवाज। यहाँ पे भाई ने रिमूव कर दिया भाई अपना, ये देख लो ट्विटर इसका, अब हो रहा अपना डोर रिमूव, कैसी नीली पन्नी सुनीन ने कहा सूझी ने नीली पन्नी लगाएंगे, सिंपल सही है इसका इनोवा जैसे स्पीकर है मेरे ख्याल से, छोटा सा का स्पीकर होता है इसका, छोटो सो हल्को सो का, देख ये कितने की रेंज का होती है स्पीकर, ये स्पीकर तो कंपनी से लगकर ज्यादा से ज्यादा इसकी कॉस्ट होगी 1500 का चारो, ये 1500 का चारो केटा का जब 2100-2200 का आता है चारो, वो सेम ही स्पीकर होता है, चेंज करके लगाया जाता है, टोयोटा की कोई भी गाड़ी में लोगे तो सब सब में ये स्पीकर आता है, आई क्रॉस वाई क्रॉस सब में सब सब में यार करोल बाग में सर रियल मार्केटिंग पता लग रही है ना, कंपनी वाले कितना फ्रॉड करते हैं कस्टमर को लूटते हैं, बता जी महंगी गाड़ी में 1500 रुपए का स्पीकर, निक्को भाई आ जाओ, निक्को भाई ने दावा कर दिया है 45 लाख की गाड़ी में 1500 रुपए में चार स्पीकर कंपनी दे रही है, कंपनी दे रही है भाई, केस डालेंगे फिर तो केस बनता है, या तो निक्को भाई को पकड़ो या फिर बेटा को पकड़ो, स्पीकर हमारे यहाँ तो इसको हम तो इसको फार के फेंक देते हैं, अच्छा जमा करना चाहते तो कितना अभी तक जमा कर लिए, नहीं हम रूम पर चलाने के लिए ले जाते हैं। अरुण दिखा फिर एक पार्क का तो वीडियो, तेरी भी बना अमृत एक कैसे ये टूटे हैं नक्के, रिपीट है ना है। सर रिपीट लगा रखी है, कोई खोल ना पाए इनके 1500 के प्रीमियम स्पीकर इसलिए रिपीट है, चोरी ना कर पाए स्पीकर बाद में, भाई ये कमाल है यार ये तो टोयोटा वाले का, तो यार भाई देखना भाई को कितनी जान लगानी पड़ रही है, सारी वाली बात नहीं भाई, ले तो इनका प्रीमियम स्पीकर बाहर आ चुका है, एक मत तोड़ दो और तू तोड़ दियो, ये 1500 रुपए वाला है, और भाई ये देखो फोकल जो आप लगवाने वाले हो, ये फुटल पीस है, ये कंचा पीस है, अब देखो चेक करके भाई क्वालिटी कैसी, फोकल देखियो पीछे से दिखाई कल, ये देखो डिफरेंस भाई कितना आया, संदीप पकड़ भाई अपने यार, हट क्या यार 45 लाख रुपए की गाड़ी, ये तो वैसे हो रहा है देख पर भाई एक चीज है बेशक स्पीकर कितने हल्का हो फाड़ने पे आ रहे ना फट भी नहीं रहा है, टोयोटा रिलायबल तगड़ी मजबूत चीज बनाता है अपने इंजन की तरह भाई, स्पीकर्स में भी देख लो क्या हाल हो रहा है इसका भाई का, मारे I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature
and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. कौन से स्पीकर लगा रहे हो पहले भाई? ये उधर बॉस के लगा रहे हैं, इधर फोकल के लगा रहे हो भाई? इधर फोकल के लगा रहे हैं। पीछे भी लग गया? नहीं पीछे नहीं लगा, अभी लगा रहे हो। करने के बाद फाइनल में जाएगा। अच्छा अच्छा, ये लग गया भाई फोकल का, उधर बॉस का। अब इसमें जरा गाना चलाते हैं, सुनते हैं हम लोग कौन सा लग, इसमें फिर सुनेंगे। लग गया, लग गया ये वाला। भाई देखो यहाँ पे हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं, फोकल वाला भाई बहुत अच्छी क्लियरिटी है इसकी ना, उसकी भी कम नहीं है। मतलब हम इतने कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, लेकिन वो फाइनल में हमने पिक कर ही लिया कि भाई चलो फोकल ही डाल दो यार, क्योंकि अभी इसमें ट्विटर भी है। लगा हुआ है उसमें? लगा हुआ ट्विटर? उसमें लगा हुआ है, इसमें बॉस का लगा हुआ इसमें? हाँ मतलब उसमें अभी बॉस का किसी का नहीं लगा है, जो प्रॉपर फॉर्चूनर का जो ट्विटर है वही लगा हुआ अभी। तो मतलब अगर हम बॉस का लगवाते तो नहीं बदलते ट्विटर? नहीं बदल जाते, वो भी बॉस का ही लगता। अच्छा ठीक है, बाकी जो अभी एक एक स्पीकर से हमें उतना पता भी नहीं चल रहा है, जब चारों पूरा एक ही सेटअप लगेगा तब जाके पता चलेगा क्या आवाज है। फोकल के लगाओ ना भाई, फोकल ही कर दो फिर भाई, छोड़ो फोकल लगाओ, छोड़ो फोकल लगा दो भाई। क्लियरिटी भाई सच में बहुत तगड़ी है यार, जो डेडिकेटेड इसकी है, प्राइस के हिसाब से बहुत तगड़े स्पीकर हैं। और इसमें एक डिफरेंस ये भी है भाई, जो पीछे लगेंगे ना ये लगेंगे अपने कोएक्सियल, तो इसमें ट्विटर इसमें इनबिल्ट है और इसमें अलग अलग है। तो ये फोकल वाले हमने परमानेंट कर दिए हैं, तो ये रिपीट से ही लगेंगे। ये भाई आ चुके हैं रिपीट वाले, रिपीट से लगाएंगे। देखो भाई नंबर प्लेट आपने देखी होंगी आज तक ना, ऐसे रिपीट से होती हुई, ये फॉर्चुनर में इसका भी पूरा अलग है। मतलब उस वाले रिपीट से तो स्पीकर इसके टाइट होते हैं, देखना पूरा नेक्स्ट लेवल सिस्टम है यार। जैसे भैया ने भी तोड़े थे ना, अगर कल को हम कटवाने पड़ेंगे तो फिर से रिपीट ही तोड़नी पड़ेगी। इसमें ये लगाई, परमानेंट काम है, एक बार लग गया तो लग गया, लो छुट्टी। तो भाई हमारी फॉर्चुनर के स्पीकर सब कंप्लीट चेंज हो चुके हैं यहाँ पे, और फोकल ही डलवाए हैं भाई। लेकिन यार थोड़ा स्वाद बैठा नहीं यार, निकू भाई क्यों झूठ बोले यार, रात का टाइम वैसे यार मजा सा नहीं बैठा यार, पता नहीं जब क्यों यार चारों डल गए, क्या कमी रह गई, कहाँ पे कमी रह गई आपकी? अगर आपको इससे ज्यादा लाउडनेस चाहिए तो एक एम्प लगाना पड़ेगा, एम्पलीफायर जरूरी है ना? जरूरी है भाई, आप अगर चाहो ना, ये जैसे कितने के भाई ये? 32,000 रुपए का है। जब 32,000 रुपए का अगर ये खाली डलवाओगे ना स्वाद नहीं बैठेगा, एम्पलीफायर चाहिए ही चाहिए। हाँ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो इसका स्टूडियो था उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है, जो उठा नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर आप बॉस इसमें लगाते ना, बॉस का लगवा लेते तो आउटपुट दे देता, उस ऐसा ही आवाज उसका भी आता, लेकिन बॉस लगवाते बॉस भी लग जाता भाई। ठीक है यार, जो भी हो गया, आया स्वाद नहीं आया बता, कोई नहीं भाई, पास बाद में आ जाएंगे और स्वाद ले लेंगे भाई से। एम्प मतलब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एम्प लगाना ही पड़ेगा भाई, एम्प ना आपको लगाना ही पड़ता है यार, तभी बात बनती है, वरना स्वाद बैठता नहीं है। चलो बाद में देख लेंगे निकू भाई उसके ना, हालांकि फोकल के बहुत तगड़े स्पीकर हैं, जैसे जो भी बता रहा है, इस कह रहा है एम्पलीफायर लगाओ मजा आ जाएगा, वो आके देख लेंगे। अभी मैं आपको इसकी रॉ आवाज़ सुना देता हूँ, कैसी है कैसी नहीं। आवाज तो भाई मैं संदीप का मोटा खर्चा करवा ही लाया है अपने शौक के चक्कर में, स्पीकर्स के 32-33,000 रुपये से लूट ही गया। पर भाई अगर आप शौकीन हो ना, आपको एक एक डिटेलिंग चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट सुनना चाहिए, एक एक मतलब हर वोकल डिटेल, मतलब बहुत क्लियरिटी बहुत अच्छी है यार, पता चलता है जब आप सुनते हो कोई गाना कि हाँ यार क्लियरिटी आ रही है। मैं तो इससे कहता बॉस वाले अगर लगवाते तो वो ऑलराउंडर थे, उनमें एम की जरूरत नहीं पड़ती, पर ये माना नहीं, वही है ना कि भाई महंगी चीज कमी रहती ब्रो। हाँ कमी रहती, पर वो ये ना भाई जो महंगी चीज दिखे है 20,000 रुपया के 6 इंची के, और ये 32,000 रुपए के, तो वो रहे ना महंगी चीज अच्छी रहेगी, वो वाली चीज रहे, कई बार सस्ती चीज अच्छी भी निकल जाए भाई, सही बता रहा हूँ, वो वाला सीन हो गया बस, और तो कुछ नहीं। ये था भाई थोड़ा सा खर्चा फॉर्च्यूनर पे, 45,00,000 की गाड़ी ली तो 32,000 रुपए भी सही, 60,000 रुपए खर्चा होगा, 65-70 का मान के चलो। चलो भाई हम वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं सरूंगा।